Hello dear 90s, I am Mrs. Ekta Gaur with my next one video of the biology for the chapter tissue. It is part 5. In this part, I am going to explain you about the nervous tissues. Just you can see here how fabulously they are dancing as they are conveying the message from one neuron to the another one neuron. Let's see the secret of them. As you come to know that nervous tissue is a kind of compound epithelial tissue. Why? Because it is formed of different type of components. ठीक है, एक nervous tissue को बनाने में बहुत different kind के structures हैं जो help करते हैं. इसलिए इसको हम compound epithelial tissue कहते हैं. So now, just see about the nervous tissue. As it is known as typical neuron. Why it is known as typical neuron? देखो बच्चों, जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है ये एक सेल बॉडी दिखा रहा है. सेल बॉडी के अंदर एक न्यूक्लियस शो हो रहा है. ठीक है, यहीं से ब्रांचेस निकल रही हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही हैं, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स. ठीक है, अब यहाँ से ये तो शॉर्ट फिलामेंट्स हो गए, ये सभी क्या है? शॉर्ट फिलामेंट्स, ये सभी डेंड्राइट्स हैं. और ये है एक लॉन्ग फिलामेंट. ठीक, लॉन्ग फिलामेंट एक्सॉन कहलाता है. लॉन्ग फिलामेंट के ऊपर भी आप देख सकते हो बहुत छोटे छोटे माइन्यूट स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुए. ठीक है, तो ये यहाँ पर ये नर्व एंडिंग कहलाता है. तो अब आप देख सकते हो कि ये टिपिकल क्यों है. बहुत ज़्यादा माइन्यूट होता है ये, बट इट इज कंटेनिंग सो मैनी काइंड ऑफ टिश्यूज विच आर फंक्शनिंग द इन आर ब्रेन टू कैरी द मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वन प्लेस. ठीक है, देखो यहाँ पर ये मैसेज लेकर जा रहे हैं, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ये शॉर्ट फिलामेंट्स हैं, दे आर रिसीविंग द मैसेज. ठीक है, ये रिसीव कर रहे हैं मैसेज को, दूसरा भी स्ट्रक्चर में यही रिसीव कर रहे हैं मैसेज को, इस न्यूरॉन में भी डेंड्राइट ही रिसीव कर रहे हैं मैसेज को. तो यानी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो शॉर्ट ब्रांचेज हैं इनका काम केवल मैसेज को रिसीव करना. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इनके और फंक्शंस किस किस तरह से ये वर्क करते हैं. सो द सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड एंड द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स. ठीक है, अब ये हाईली स्पेशलाइज्ड है. आपने भी डायग्राम देखा तो आपने देखा कि इसमें कितने छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स हैं. ठीक है, वो हमारी बॉडी का एक स्पेशल फंक्शन कर रहे हैं कि हमारी बॉडी को क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो हमें बता रहे हैं. तो इसके लिए जो माइन्यूट सेल होती है उसको हम या तो नर्व सेल कहते हैं या हम कहते हैं न्यूरॉन. ठीक है, अब ये नर्वस टिश्यू भी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक न्यूरॉन का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें केवल और केवल न्यूक्लियस वाला पार्ट, सेल बॉडी वाला पार्ट आपको शो किया है. और ये आसानी से आप किसी भी तरह से ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, ये ब्रांचेज हैं, इनकी कोई इक्वलाइजेशन नहीं होता है, किसी भी डायरेक्शन में आप उसको ड्रॉ कर सकते हो. ये डेंड्राइट कहलाते हैं, ये सेल बॉडी हो गया और ये न्यूक्लियस हो गया. क्लियर, चलिए आगे देखते हैं. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू? एज नर्वस टिश्यू स्टिमुलेट्स एंड ट्रांसमिट्स द स्टिम्यूल्स वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी. ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये डेंड्राइट बहुत तेजी से रिसीव करते हैं. जैसे कि हम किसी भी गर्म चीज को यदि छू लेते हैं तो तुरंत हाथ हटा देते हैं. तो सोचकर देखो कि हमारी बॉडी में ये फंक्शन फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाता है. ठीक, तो नर्वस टिश्यू ही हमारी बॉडी में स्टिमुलेट्स कर रहे हैं और स्टिम्यूल्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं? बहुत ही तेजी के साथ. ठीक है, now let's see more about them. The brain, spinal cord and nerves are composed of the nervous tissue. ठीक, अब ये जो nerves, neurons होते हैं ये कहाँ कहाँ present होते हैं? brain में होते हैं, spinal cord में होते हैं, nerves में होते हैं. ठीक है, तो अब ये तीनों ही structure मिलकर क्या बना लेते हैं? complete nervous tissue बना लेते हैं. तो एक तरफ तो आप एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ऐसे ही बहुत सारे न्यूरॉन हैं जो
एक साथ जुड़कर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में और नर्व्स बनाने में हेल्प कर रहे हैं, तो ये सभी चीजें मिलकर नर्वस टिश्यू बना रही है। तो रियली इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड टिपिकल प्रोसेस। ठीक है, नाउ लेट्स सी मोर। एज अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विच कंप्राइजेज ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लास्ट फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स अराइज। अब देखो बच्चों, यहां पर आपको केवल इस सेल बॉडी के बारे में बताया गया। इस सेल बॉडी को हम साइटोन भी बोलते हैं। यहाँ पर लिखा नहीं है, आप लोग लिख लीजिए CYTON, सेल बॉडी इज ऑल्सो नोन एज साइटोन। तो ये न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस के यहाँ, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या फील्ड है? साइटोप्लाज्म। तो यदि आपसे सेल बॉडी के बारे में पूछे तो सेल बॉडी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से फॉर्म होती है। ठीक है, इसी से ही कुछ लॉन्ग या थिन या स्मॉल शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज हो रहे हैं। तो ये शॉर्ट क्या कहलाएंगे? डेंड्राइट्स। ठीक है, और जो लॉन्ग फिलामेंट कहलाएगा वो एक्सॉन कहलाएगा। ठीक है, सो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ सेल बॉडी। अब देख लेते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर मैंने आपको यहां पर शो किया है। द न्यूरॉन हैज शॉर्ट ब्रांच पार्ट्स कॉल्ड डेंड्राइट्स। तो अभी हमने इतना पार्ट देखा था खाली सेल बॉडी का, जिसमें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, डेंड्राइट्स है। अब यहां से एक लॉन्ग फिलामेंट बाहर आ रहा है, ये कहलाता है एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन भी क्या है? इधर दोनों तरफ से एक शीत से कवर्ड रहता है, जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीत। और ये कहां पर जाके खत्म होता है? जहां पर नर्व्स एक कंजक्शन पॉइंट बना देती है, यानी कि एक नर्व एंडिंग होती है। यानी इस न्यूरॉन का काम यहाँ डेंड्राइट से शुरू होगा और इस नर्व एंडिंग तक खत्म हो जाएगा। देन इट विल ट्रांसफर द मैसेज टू अनदर वन न्यूरॉन। तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि जितना तेज स्पीड से आपका फोन काम कर रहा है, उस मोबाइल फोन जो आपके काम कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा तेज स्पीड से आपकी बॉडी में न्यूरॉन फंक्शन करता है। ठीक है, सो द न्यूरॉन हैज शॉर्ट ब्रांच पार्ट्स कॉल्ड डेंड्राइट्स। दूसरी बात हमने पढ़ी डेंड्राइट्स, एंड लॉन्ग फिलामेंट इज नोन एज एक्सॉन। आगे देख लेते हैं। द न्यूरॉन हैज अ सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड द एक्सॉन। ठीक है, विच ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स टू बॉडी पार्ट्स। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर ये सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है, डेंड्राइट्स है, ये एक्सॉन है, इसको रिसीव कर रहा है, एंड देन इट इज कैरिंग टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडीज। Many nerve fibers combine together by connective tissue and form a nerve. अब आपको मैंने बताया कि एक न्यूरॉन अपना फंक्शन कर रहा है, वो दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है, इस तरह से एक लॉन्ग चेन फॉर्म हो जाती है। ठीक है ना, देखो यहाँ पर ये पूरी एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन जुड़ता चला जाता है। ठीक, तो ये किससे जुड़े रहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू से। और क्या बनाते हैं? और एक नर्व फॉर्म करते हैं। Nerve impulse enables animals to move rapidly in response to stimuli. अब तो ये nerve impulse है, ये क्या करती है? ये हमारी body को, animals की body को तेजी से respond करने के लिए तैयार करती है। ठीक है ना, जैसे कि कोई भी ठंडी चीज है, एकदम से हम उससे हाथ हटा लेंगे, कोई भी गर्म चीज है, हम उससे हाथ हटा लेंगे, है ना, कोई पिन आपके चुभ जाएगी, आप तेजी से उससे दूर हो जाएंगे। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो नर्व इम्पल्सेस हैं बहुत तेजी के साथ हमारी बॉडी के अंदर फंक्शनिंग कर रहे होते हैं। आई थिंक कि अब आपको मैंने बार बार ये बताया तो आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। चलिए लेट्स सी मोर। अब एक बार ये आपको मैंने डायग्राम फिर से मैं आपको दिखा रही हूं। ठीक है, इसको डायग्राम को आप बहुत अच्छे से बनाना सीखेंगे। और कैसे बना सकते हैं आप इजीली? इन दिस वे यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज द सिनेप्स। वॉट इज द सिनेप्स? सिनेप्स इज अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को अपना मैसेज ट्रांसफर कर रहा है। तो
वो जंक्शन क्या कहलाता है, सिनेप्स कहलाता है। अब ये देखो यहाँ पर ये सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है, ये डेंड्राइट्स हैं शॉर्ट ब्रांचेस, ये एक्सॉन है, ठीक है, ये पूरा एक्सॉन है। अब ये एक्सॉन की जो नर्व एंडिंग्स है ये दूसरी डेंड्राइट से जुड़ी हुई है। अब ये डेंड्राइट्स को फिर से मैसेज फॉरवर्ड कर रही है, तो जहां पर ये नर्व एंडिंग डेंड्राइट के साथ में जुड़ जाती हैं वो सिनेप्स कहलाता है, ठीक है। जहां पर दो न्यूरॉन आपस में जुड़ रहे हैं दैट जंक्शन इज नोन एज सिनेप्स, ठीक है। चलिए और क्लियरली हम इसको देखते हैं। जस्ट सी हाउ वन न्यूरॉन इज कैरिंग द मैसेज टू द अनदर वन न्यूरॉन। यहां से डेंड्राइट्स ने मैसेज को लिया, सेल बॉडी तक गया मैसेज, फिर एक्सॉन ने दूसरे नर्व एंडिंग के साथ में दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट को मैसेज दिया, एंड देन इट मेक द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, दैट जंक्शन इज नोन एज सिनेप्स। सो इट वॉज अबाउट द नर्वस टिश्यूज। नाउ बी रेडी फॉर द क्विज टाइम, यू ऑल हैव टू गिव द आंसर एज मच एज यू कैन गिव वेरी क्विकली, ठीक है। जितना जल्दी से जल्दी आप दे सकते हैं उतना जल्दी से जल्दी आप आंसर करेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर द क्विज टाइम, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। या क्वेश्चन नंबर वन, नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड इन। नाउ यू हैव टू टेल कि नर्वस टिश्यू इनमें से किस में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन सी टेंडन्स, ऑप्शन डी नर्व्स। वेरी इजी क्वेश्चन बट यू हैव टू थिंक। ओके नाउ लेट्स सी द आंसर। यस ऑफ कोर्स टेंडन्स, बिकॉज नर्वस टिश्यूज आर प्रेजेंट इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, बिकॉज दीज three things are making the nervous tissue, ठीक है। Only tendons, tendons is a part of your bone, ठीक है। See the question number two, what is synapse? Option A, junction between bones, option B, junction between muscles, option C, junction between neurons, option D, junction between vessels. Very easy question. Yes. Now, let's see the answer. Junction between neurons is known as synapse. भी आपको मैंने बताया, तो in very quick way you can give the answer. Now see the question number three. Nerve cell does not contain. Option A, axon, option B, nerve endings, option C, tendons, option D, dendrites. बताइए जल्दी से नर्व सेल में क्या नहीं होता इनमें से। या ऑफ कोर्स टेंडन्स, अभी आपको बताया टेंडन्स इज अ पार्ट ऑफ बोन, बोन एरिया, क्योंकि जहां पर बोन्स और मसल्स एक दूसरे के साथ अटैच हो रही हैं वो टेंडन्स कहलाता है। इट इज अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर फोर, विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिसीव्स स्टिमुलस। ऑप्शन ए एक्सॉन, ऑप्शन बी डेंड्राइट्स, ऑप्शन सी नर्व एंडिंग्स, ऑप्शन डी सेल बॉडी। बताइए कौन सा पार्ट है न्यूरॉन का जो स्टिमुलस रिसीव करता है। या वेरी इजी सीधा आंसर, डेंड्राइट्स। आपको मैंने बताया कि शॉर्ट जो फिलामेंट्स होते हैं दे आर रिसीवर्स, दे आर रिसीविंग द स्टिमुलस। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सॉन। ऑप्शन ए शॉर्ट फिलामेंट, ऑप्शन बी सेल बॉडी, ऑप्शन सी लॉन्ग फिलामेंट, ऑप्शन डी स्टिमुलस। या नाउ सी द आंसर, या लॉन्ग फिलामेंट, क्योंकि आपको बहुत आसानी से अब याद हो गया होगा कि एक्सॉन इज अ लॉन्ग फिलामेंट विच इज प्रेजेंट इन न्यूरॉन,
So well, student, I hope you all enjoyed the quiz time. In my next video, I will start about the connective tissues. बच्चों यदि आप बहुत अच्छा रिजल्ट चाहते हैं अपना, सो जस्ट यू शुड प्रिपेयर द नोट्स. मैंने जितनी भी आपको स्लाइड्स दी हैं वहाँ से आप डायग्राम्स ड्रॉ करना भी सीख सकते हैं और उसके लिए आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो आपको यदि मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आप ही के जो और फ्रेंड्स हैं उनको भी बेनिफिट मिल सके. ठीक है, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय. Thank you.